बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक हदीस में बताया गया है कि कयामत के दिन सबसे पहले तीन शख्सों के मुतालिक अदालत इलाही से जहन्नुम का फैसला सुनाया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या उन तीन लोगों में क्या हम भी शामिल हैं? तो ये ऐसा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और कहीं वो हम में से एक तो नहीं है दोस्तों, उन तीनों में से हम तो नहीं एक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह से हमेशा पनाह मांगो। इस दुनिया में हमेशा अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत करते रहो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया फानी है मेरे प्यारे हजरात। और दुनिया को जो सही वक्त है उस पर हमें वापस छोड़ के चला जाना ही पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो उन तीन लोगों में से जो अल्लाह ताला सबसे पहले फैसला जहन्नुम सुनाएगा, क्या उनमें से हम कोई है? तो ये हदीस मुबारक मुस्लिम की बात एक हदीस है मेरे प्यारे हजरात। तो ये हमें समझना पड़ेगा, कहीं अल्लाह ताला ने हमारा ही नाम तो उसमें नहीं लिख दिया। तो वाक्य में आगे बढ़ते हैं बयान में मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले ऐसे शख्स की पेशी होगी जो जिहाद में शहीद हुआ होगा। वो जब हाजिर अदालत होगा तो अल्लाह ताला पहले उसको अपनी नियामतें जताएगा और याद दिलाएगा, वो उसको याद आ जाएंगी। फिर उससे फरमाया जाएगा, बतला तूने नियामतों का क्या हक अदा किया? तो वो इंसान सोच में पड़ जाएगा, जब मेरे पाक परवरदिगार आलम की अदालत लगेगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो सोचेगा मैं क्या बताऊं, क्या मैंने किया है और क्या खोया है मेरे प्यारे दोस्त, और क्या अमल किए हैं। वो अर्ज करेगा, खुदावंद मैंने तेरी राह में जिहाद किया और तेरी रजा तलबी में जान अजीज तक कुर्बान कर दी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, हक ताला फरमाएंगे, तू झूठ बोलता है। सुभान अल्लाह, तू झूठ बोलता है, तूने तो सिर्फ इसलिए जिहाद किया था कि तू बहादुर मशहूर हो जाए, इस दुनिया के लोग तुझे बहादुर यानी के मशहूर होने के लिए कहा किया था तूने जिहाद। मैं सब जानता हूँ, मैं दिलों के राज जानता हूँ। तो दुनिया में तेरी बहादुरी का चर्चा हो चुका है। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसको ऊंधे मुंह जहन्नुम में डाल दिया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं हम तो नहीं है उसमें से मेरे प्यारे हजरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं आगे वाक्य में। दूसरा जो शख्स है, इसी तरह एक आलिम दीन और आलिम कुरान हाजिर अदालत किया जाएगा और उससे भी अल्लाह ताला पूछेगा कि तूने क्या आमाल किए हैं। तो वह इंसान फिर से सोच में पड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समझ लेना बात को। वो कहेगा कि मैंने तेरे दीन और तेरी किताब के इल्म को पढ़ा और लोगों को पढ़ाया और ये सब तेरी रजा के लिए किया। तो हक ताला फरमाएंगे, तू झूठा है, तू झूठा है, तूने आलिम कारी और मौलाना कहलाने के लिए ये सब कुछ किया था। मैं दिल के राज जानता हूं, मुझसे कुछ नहीं छुपता। फिर बाहुकुम खुदावंदी उसको भी दोजक में डाल दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ये हम में से तो नहीं जिसे दोजक का भी रास्ता दिखाना पड़ेगा, दिख जाएगा। तो देख लेना, तुम्हें इन तीन लोगों की मैं बातें बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो सबसे पहले अल्लाह ताला उनके ऊपर फैसला सुनाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
यही बात आपको समझनी पड़ेगी। फिर बाहुकुम खुदावंद उसको भी दोजक में डाल दिया जाए। फिर उसके बाद एक शख्स पेश होगा जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ माल वे दौलत दिया होगा। उससे भी सवाल किया जाएगा कि तूने क्या क्या किया, क्या किया जो मैंने तुझे दौलत दी। मेरे दोस्तों, कहीं हम तो नहीं है उसमें से एक? अगर कुछ ऐसी बातें हो, अगर किया हो या सोचते हो, तो प्लीज मेहरबानी इकराम ये सब मत करना, क्योंकि अल्लाह ताला ये सबसे पहले उन्हीं लोगों की अदालत लगाई जाएगी। तो जो ये इंसान है जिसको माल दिया गया था, वो अर्ज करेगा कि खुदावंद मैंने खैर का कोई शोभा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें तेरी रजा जोई के लिए अपना माल खर्चना किया हो। हक तला फरमाएंगे, हक तला फरमाएंगे, तू झूठा है, तूने सिर्फ इसलिए माल खर्च किया था कि दुनिया तुझको सखी कहे, तू दुनिया में तेरी सखावत का खूब चर्चा हो लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं उनमें से हम एक तो नहीं है? और अक्सर लोग आजकल अल्लाह ताला ने जिस किसी को माल दिया है वो ये सब करते हैं, और जो मौलवी जो पुराने खानी हैं जिनको इल्म हासिल किया है वो भी लोग ऐसे ही करते हैं। खाली झूठ बोलना, डरा के पैसे कमाना। तो मेरे अल्लाह ताला से मैं यही बोलूंगा आप सभी भाइयों को कि अल्लाह से मगफिरत के लिए दुआ किया करो, कहीं हम मैं उसमें से तो शामिल नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे हजरात, फिर उसको भी उंदे मुंह जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ये ऐसी हदीस दोस्तों हमारे ही चैनल पे मिलती है। तो देखो, मैंने जो तीन इंसानों की बात बताई है, मेरे प्यारे दोस्तों एक बार अपने आप के अंदर झांक लेना, कहीं उन तीन में से हम तो नहीं है, क्योंकि इन तीन लोगों की सबसे पहले जहन्नुम में दावत की जाएगी। देखो, जिहाद भी वाले की भी और मौलवी कारी की भी, और जिसको माल दिया अल्लाह पाक ने उसकी भी। अक्सर लोग करते हैं माल के धोखे से क्या क्या, वो अपना दिखावटा करते हैं कि मैंने उसको फला को यूं कर दिया, मैंने फला को यूं कर दिया। अरे वो भी तुम्हारी आजमाइश थी मेरे भाइयों, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें आता फरमाई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही चाहूँगा, अलगरज अल्लाह ताला के यहाँ वही अमल आएगा जो सालानियत से यानी महज रजाए इलाही के लिए किया गया हो। चाहे तुम एक ही घूट किसी का एक मीठा बोल बोल दो, एक घूट पानी पिला दो, वही अमल लिखा जाता है वहाँ पे। दीन की खास इसला में उसी का नाम इखलास है मेरे प्यारे दोस्त। तो लेकिन अगर मेरे प्यारे दोस्तों, इस जहन्नम की आग से बचो, दुनिया फानी है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई ऐसी काम ना करके जाना जिससे पछताना पड़े। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक